मैं अहले बैत को मानने वाले और हसनैन करीमैन की सुन्नत पर चलने वालों को नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और अपनी तरफ से सलाम पेश करती हूँ। और आपके जो प्यारे आपसे छिन गए हैं, जिनकी लाशें आप सामने रख के बैठे हैं, मैं आपके ऊपर जो क़यामत टूटी है उस पर मैं आपसे अपनी जमात की तरफ से, मियाँ साहब की तरफ से, हम सब की तरफ से मैं दिली तज़ियत करती हूँ। अभी जब मैं ये स्टेज पर आपके बुज़ुर्गों के साथ बैठी थी, 5 दिन से हम सब ये टीवी पर देख रहे हैं, आपकी तकलीफ़ का एहसास है हमें। मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि आज मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ और किन अल्फाज में अपने दुख को, अपने गम को बयान करूँ, क्योंकि जिस पर गुज़रती है वही जानता है। हम जितना भी ये कह दें कि हम आपके साथ गम में शरीक हैं, हम शरीक हैं, पूरी कौम आपके साथ आपके गम में शरीक है, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि जो आप पर गुज़र रही है, जो ये लाशें रखकर बैठे हुए हैं, हम आपकी तकलीफ़ का, आपके गम का और आप पर जो मुसीबत टूटी है, हम उसका एहसास नहीं कर सकते। अभी मैं इस स्टेज पर जब बैठी थी आपके उलमाए कराम के साथ, तो मुझे उन्होंने वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की, किस तरह उन गरीब कानकुनों का के गले काटे गए, मुझसे वो तस्वीर नहीं देखी गई। और आप लोगों में से सब लोग जो हैं, जो ये ताबूत जिनके अंदर रखे हुए हैं, इसकी बेटी छोटी सी, मैंने पढ़ा भी सुना भी कि ये बच्ची टीवी पर कह रही थी कि जब तक आप नहीं आएंगे, किसी बेहिस को पुकार रही थी कि जब तक आप नहीं आएंगे, आप, मैं अपने वालिद को नहीं दफनाऊंगी। मुझे ये भी पता चला कि इन्हीं में से एक ताबूत में उस बच्चे की, उस तालिबे इल्म की मैयत भी है, जिसको 1 महीने की अपने कॉलेज से छुट्टी थी और वो अपनी फीस जमा करने के लिए वो कान में काम करने गया था। और मुझे ये भी पता चला है कि इन मैयतों में से एक मैयत उसकी भी है कि जिसके शहीद होने के बाद से अब उसके ख़ानदान के अंदर कोई मर्द नहीं बचा, दफनाने वाला भी कोई नहीं है आज। और मुझे ये भी पता चला कि ये जो मेरी हज़ारा बरादरी मेरे सामने बैठी है, इनको 2 किलोमीटर के रेडियस तक महदूद कर दिया गया इनकी ज़िंदगियों को। ये अपना रोज़गार नहीं कमा सकते, इनको अपना रोज़गार कमाने की आज़ादी नहीं है, इनको अपने कॉलेज में, स्कूल में आज़ादाना नकल व हमल करने की आज़ादी नहीं है। और 2000 से ज़ायद शहदा हैं। खुदारा, मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, मैं फिर भी आप सबको सलाम पेश करती हूँ कि 2000 से ज़ायद आपके शहदा हैं। हर शख्स जो यहाँ पर बैठा है, मेरा भाई, वहाँ पर मेरी बहनें और मेरी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, यहाँ पर मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे बैठे हैं, आप सब में हर शख्स एक दुख की, एक दर्द की दास्तान है, मुझे एहसास है इस चीज़ का। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आप किसी बेहिस शख्स को पुकार रहे हैं और उसके पास यहाँ आने का वक्त नहीं है। मैं आज सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा आओ, रियासत का काम है अपने लोगों को तहफ्फुज़ देना
और स्पेशली उन लोगों को, खास तौर पर उन लोगों को तहफ़ देना जो अंडर अटैक हैं, जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो जिनके जिनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, जिनकी जिनका तहफ़ रियासत की जिम्मेदारी है। कहते हैं ना कि रियासत माँ की तरह होती है। मुझे एहसास है इस चीज़ का कि इस माँ ने आपका हक अदा नहीं किया, और अगर आप अपनी जिम्मेदारी में फेल हुए हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हैं और ये हादसा फिर से पेश आ गया है, तो आप हिम्मत करें और चल कर आएं और इनकी दादरसी करें। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतजर हैं। आप अपने, क्या ये इनकी जो तकालीफ हैं, इनकी जो लाशें हैं, उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी है? और फिर आप ये कहते हैं कि इस पर सियासत नहीं की जाए। हम बिल्कुल इस पर सियासत नहीं करते, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नाकामी और आपकी बेहिसी को आप सियासत सियासत कहकर टाल देंगे, तो ये हम होने नहीं देंगे। गुड, ये हम होने नहीं देंगे। आपको यहाँ आना पड़ेगा, इनके सरों पर हाथ रखना पड़ेगा, ताकि ये जो 5-6 दिन से खुले आसमान के नीचे मनफी दर्जा हरारत में, सुने रात को यहाँ पर -8 हो जाता है, उसमें अगर ये अपनी लाशें सामने रख के बैठे हैं, ये आपसे कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे। ये आपसे ये नहीं कह रहे कि हमें कोई बहुत बड़ी चीज दे दो, वो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आओ हमसे बात करो, हमारे सर पे हाथ रखो, ताकि हम अपनी लाशें दफनाएं। तो आपकी ईगो आपकी इन लाशों से बड़ी हो गई है? मैं ये सवाल पूछने में आज हजारा बरादरी का नुमाइंदा बनकर मैं ये सवाल पूछने में आज हक बजाने हूं आपसे। ये आप तनकीद के डर से नहीं आ रहे, और अगर आप तनकीद के डर से नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आप यहां पर आए तनकीद सुन ले थोड़ी देर, लेकिन आपका फर्ज है कि आप अपने लोगों के गम में शामिल हों, आप उनके सर पे हाथ रखें, आप उनका दर्द बांटें, आप उनका दुख बांटें। और उन्होंने मुझे कहा है अभी पीछे स्टेज पर कि 100 दिन भी बैठना पड़े तो जब तक ये नहीं आएंगे हम अपनी लाशें नहीं दफनाएंगे। खुदा के वास्ते मखलूक खुदा पर रहम करो। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि जो अरबाब इख्तियार है, जो इस वक्त इक्तदार की कुर्सी पर बैठा है, उसकी बेहिसी पर अफसोस है, सद अफसोस है। मैं एक दफा फिर, मुझे नहीं पता मैं आपको क्या दे सकती हूं, क्योंकि मेरी जमात ना इस वक्त इक्तदार में है, ना शायद मैं इस वक्त आपके लिए, सवाए आपके लिए आवाज उठाने के, मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, मुझे एहसास है आपकी तकलीफ का। एक बहन हूँ, मुझे एहसास है आपकी तकलीफ का। और मैं इमरान खान साहब को भी कहती हूँ कि आप एक बाप भी हैं, वालिद हैं, बहनों के भाई भी हैं, और आपकी फैमिली भी है। आप अपने बच्चों को सामने रखकर, अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखे, लेकिन आप अपने बच्चों को सलामत, अपने बच्चों को सामने रखकर ज़रा इस एहसास को, अपने इनकी तकलीफ़ को अपने ऊपर तारी करने का ज़रा थोड़ी सी कोशिश करें, ताकि आपको एहसास हो इनकी तकलीफ का। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मैं आपके हौसले और सब्र को सलाम करती हूँ कि 2,500 शुहदा की कुर्बानी के बावजूद आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। और आप वो कौम हैं जिसने, आप वो बरादरी हैं, आप हमारे वो भाई और बहनें और बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, इस मुल्क की मिट्टी को से वफा की है, इस मुल्क की धरती को अपनी माँ समझा है, और आपके प्रोफेशनल्स ने, आपने इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी तरक्की में आपने मेहनत की है, अपना किरदार अदा किया है। अब रियासत की बारी है कि वो अपना हक अदा करे और आपके ज़ख्मों पर आकर मरहम रखे। और अगर ये हुक्मरान यहाँ पर नहीं आता
तो वो सुन ले, फिर ये कौम उसको अब इस्लामाबाद में इस कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं देगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, और मैं ये चाहती हूँ कि आपकी जो ख़वातीन हैं मैं उनके पास जाके ताज़ियत करना चाहती हूँ, तो कोई हज़रत अगर मुझे वहाँ पर प्लीज़ ले जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी दिली दुआएं, मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपके शहीदों के दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में इनके जाने की वजह से आपकी ज़िंदगियों में आने वाली मुश्किलात में अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। हमसे जो हो सकेगा, मेरा आपकी बेटी हूँ मैं, आपकी बहन हूँ मैं, मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैं ज़रूर करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।